नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, कोर्ट ने अतिशी को आज समन भेजा है। उन्होंने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया था और 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए थे कि भाजपा से इनको ऑफर मिला है। 29 जून को दोनों मामलों में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है शूट एंड स्कूट, कोई भी झूठ मनगढ़ंत आरोप आप लगा दीजिए, असत्य का सहारा बार बार ये पार्टी लेती रहती है और इनको लगते हैं कि उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन आज मैं कहूंगी सख्त मेव जयते। ACMM राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को आज समन करा है 29 जून के लिए एक मानहानि के केस में, जहां पर आकर उनको अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनका जो 27 जनवरी 2024 का ट्वीट है उस पर भी, और जो 2 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे बिना किसी तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप जो इन्होंने लगाए थे कि इनको भी ऑफर मिला है भाजपा ज्वाइन करने का, अब इनकी जवाबदेही बनती है। पुणे कार दुर्घटना मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, इस मामले में मैं पुणे पुलिस कमिश्नर के साथ पहले दिन से संपर्क में हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मैंने कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस केस में मैं पहले दिन से पुलिस कमिश्नर पुणे इनके संपर्क में था। मैंने पहले दिन से कहा है आरोपी जो भी कितना ही बड़ा हो उसको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। जो बच्चों की डेथ हुई है वो भी किसी के तो बच्चे हैं, तो इसके लिए जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। और मैंने तो पुलिस कमिश्नर को कहा है इसमें डॉक्टर हो या कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको कानून के सलाखों के पीछे डाल दिया है, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने खुद दी हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंधेरा रहे ताकि अंधेरे में डकैती बढ़े, वो विकास नहीं चाहते हैं। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही टकेती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए, इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, ना बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी सुरक्षित था, बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने, तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा एक भी दंगा नहीं हुआ, जितने दंगाई थे सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से कौन सा झूठा है, आज उड़ीसा में इतने सारे युवा गुजरात चले गए और वहां की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्या ये झूठ है, रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं, या ये झूठ है, आज उड़ीसा में सरकार में 1,00,000 पद खाली हैं और नियुक्तियां नहीं हो रही, क्या ये झूठ है, हमें पांडियन मुक्त उड़ीसा बनाना है। हमने जो जो मुद्दा उठाया उन सा इशू झूठ है, आज उड़ीसा से बहुत सारा युवा पलायन करके गुजरात में फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्या ये झूठ है, रत्न भंडार का साबी गुम है, क्या ये झूठ है, आज उड़ीसा में सरकार में 1,00,000 पोस्ट खाली है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है युवाओं का, कि ये झूठ है, कौन सा सी झूठ है, आप बताइए।